वेलकम टू अनबॉक्स केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये हमारा फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा नेट दिसंबर 2013 से है। द एटॉमिक मासेस ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर 19 एंड 1 amu रिस्पेक्टिवली। The bone length of HF is 2.0 armstrong. The moment of inertia of HF is. अब देखो, हम मास किसमें दे रखे हैं, amu में और एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। और हमसे ऑप्शंस में देखो क्या है, kg मीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I is equal to mu r square. म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास, और आर क्या होती है, बोन लेंथ। अब रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2। अब देखो, मास ऑफ फ्लोरीन को मैंने मान लिया m1 और मास ऑफ हाइड्रोजन को मैंने मान लिया m2। ये क्या दे रखे हैं, 19 amu एंड 1 amu। अब 1 amu इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg होता है। ये क्वेश्चन में ही मैंशन है, अगर नहीं भी मैंशन होता तो भी आपको ये पता होना चाहिए था कि 1 atomic mass unit इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg, राइट। तो कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, इनको कन्वर्ट करना। 19 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.67 इंटू 10 to the power -27 से, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो मैंने उसको अलग से शो नहीं किया है, मैंने साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ फ्लोरीन को, अगर 19 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 इंटू 10 to the power -27, फिर मैंने मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, ये देखो 1 लिखा, और फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 इंटू 10 to the power -27। अब नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2 है नीचे, ठीक है। तो जो ये वाली टर्म है ना, ये कॉमन ही आने वाली, तो मैंने पहले ही कॉमन निकाल ली 1.67 इंटू 10 to the power -27, और ये अंदर बच गया 19 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.67 से यहाँ नीचे है 1.67 इंटू 10 to the power -27, और ऊपर भी सेम है, तो ये कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 19/20 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू तो निकल गई, इतनी निकल गई। निकालना क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। म्यू हमने निकाल लिया, आर बोन लेंथ हमें दे रखी है 2.0 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन करना, आपको पता होना चाहिए था कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 to the power -10 meter होते हैं, ठीक है। तो मैंने म्यू की वैल्यू लिखी, ये आर की वैल्यू हमें 2 दे रखी, और इसका स्क्वायर है, तो ये मैंने दो बार लिखा, 2 × 10 to the power -10 meter इंटू 2 × 10 to the power -10 meter। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.32 × 10 to the power -47, जो कि हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और सारी वैल्यूज क्वेश्चन में ही दे रखी है, और एक कन्वर्जन पता होनी चाहिए थी आर्मस्ट्रॉन्ग से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नेट जून 2014। द सी डबल बॉन्ड ओ बोन लेंथ इज 120 picometer इन CO2। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CO2 वुड बी क्लोज टू, और फिर हमें मास ऑफ कार्बन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखे हैं 1.9 × 10 to the power -27 kg एंड 2.5 × 10 to the power -27 kg रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो, CO2 दे रखा है, जब हमारे Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वैसे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ स्क्वायर। लेकिन जब Ab2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू 2 m1 r1 square। बस इसको क्वेश्चन में आपको यही पता होना चाहिए था कि Ab2 टाइप मॉलिक्यूल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू 2 m1 r1 square, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में। M1 क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 2.5 × 10 to the power -27, ये मैंने इसमें पुट कर दिया। R1 की भी वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 120 picometer, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 to the power -12 meter होता है 1 picometer में, ठीक है। और ये स्क्वायर था तो दो बार लिख ली मैंने ये टर्म, और इस सबको सॉल्व करके जो मेरा आंसर आया वो आया 7.2 × 10 to the power -47।
लेकिन इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, पता नहीं ऑप्शन में 10^-45 उन्होंने क्यों दे रखा है, बट जो भी है ये वाला पार्ट तो हमारा जो है ऑप्शन डी से ही मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। बस आपको इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए था कि Ab2 टाइप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I=2m1r1² बस, बाकी सब क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम नेट December 2014। बॉन्ड लेंथ ऑफ होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन दे रखे हैं, हमसे पूछ रहा है कि जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं हमारे, जैसे H2, N2, O2, ठीक है, तो वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हेल्प करती है डिटरमाइन करने में उनकी बोन लेंथ। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा क्या है, रोटेशनल एंड रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा है रोटेशनल रमन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और डी है वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप देखो जो हमारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट हो नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे एग्जाम्पल HCl, मतलब जो कि हो, ठीक है, मतलब जिनका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी उन मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, लेकिन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका तो डायपोल मोमेंट जीरो है, तो मेरा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये उनके लिए होती है जिन मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर मैं वाइब्रेशनल या फिर IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करूँ या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ, इसमें भी पता है डायपोल मोमेंट होना चाहिए, ये मतलब उन मॉलिक्यूल्स के लिए है वाइब्रेशनल या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कि डायपोल मोमेंट तो हो बट परमानेंट डायपोल मोमेंट ना हो। जैसे अगर मैं CO2 की बात करूँ, शेप होगी लीनियर, ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट आएगा जीरो, लेकिन मैं इसमें डायपोल मोमेंट अगर मैं इसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करूँगी CO2 मॉलिक्यूल की, तो डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा वहां पे, मतलब परमानेंट डायपोल मोमेंट तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या बैंडिंग से उसमें डायपोल मोमेंट आ रहा है तो वो हमारा वाइब्रेशनल या फिर IR एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है, ये भी मतलब डायपोल मोमेंट होना चाहिए, चाहे परमानेंट ना हो बट होना चाहिए, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ डील करता है, तो रोटेशनल वाइब्रेशनल मेरा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट, बी भी कैंसिल आउट, क्योंकि रोटेशनल मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। अब रोटेशनल रमन की हमने अभी बात नहीं की, और डी में भी देखो वाइब्रेशनल दे रखा है, वाइब्रेशनल भी नहीं है, क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या है, म्यू की वैल्यू आएगी जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो, लेकिन वाइब्रेशनल IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनमें डायपोल मोमेंट हो, बेशक परमानेंट ना हो बट हम जनरेट करा सके डायपोल मोमेंट किसी भी तरह स्ट्रेचिंग या बैंडिंग करके, ठीक है, तो वाइब्रेशनल भी आंसर नहीं है। अगर आपको सिर्फ रोटेशनल और वाइब्रेशनल का ही पता होता तो आप सारे ऑप्शन कैंसिल आउट करके हमारे पास सिर्फ सी बचता ऑप्शन, ठीक है, लेकिन सी देख लेते हैं, जो हमारा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये उन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ बताती है जिनका डायपोल मोमेंट क्या हो जीरो, जैसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो मेरा आंसर है सी। और रोटेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होते हैं उनके लिए आप ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो हमारे स्फेरिकल रोटर्स होते हैं ना उन मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी सब एक्टिव होते हैं, जैसे होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, ये हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं रोटेशनल रमन एक्टिव, क्योंकि म्यू जो है इनमें जीरो होता है। और स्फेरिकल रोटर से मेरा मतलब क्या है, जिनकी मीन्स मॉलिक्यूल हैविंग टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप हो जिनका, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, तो मेरा आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन सी, रोटेशनल रमन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जून 2015 से आया है, द सिमेट्रिक रोटर अमंग द फॉलोइंग इज, अब देखो जो सिमेट्रिक रोटर्स होते हैं ना उनमें होनी चाहिए हमारी C3 एक्सिस, सिमेट्रिक रोटर अगर हमें चेक करना है तो हमारी होनी चाहिए C3 एक्सिस। अब देखो CH4 का फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, CH4 का पॉइंट ग्रुप क्या है, टेट्राहेड्रल TD। अब जिनका टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है पॉइंट ग्रुप, तो वो हमारे होते हैं स्फेरिकल रोटर्स, ठीक है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है क्योंकि CH4 तो स्फेरिकल रोटर है। अब देखो CH3Cl जो है इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है, तो ये मेरा हो गया सिमेट्रिक रोटर।
अब जो मेरा CH2Cl2 है इसमें सिर्फ C2 एक्सिस प्रेजेंट है, तो ये मेरा हो गया एसिमेट्रिक रोटर। और CCl4 फिर से टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, तो ये मेरा हो गया स्फेरिकल टॉप या स्फेरिकल रोटर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन टू CH3Cl, क्योंकि मेरे से सिमेट्रिक रोटर पूछा था और इसी में सिर्फ C3 एक्सिस प्रेजेंट है, तो ये मेरा हो गया सिमेट्रिक रोटर। ठीक है, तो ये सारी मैंने साथ के साथ कंडीशंस भी लिख दी हैं। स्फेरिकल टॉप अगर आपसे पूछा तो टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप होना चाहिए। एसिमेट्रिक रोटर अगर आपसे पूछा तो उसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेट दिसंबर 2015 से, द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कॉन्स्टेंट अमंग द फॉलोइंग इज। स्मॉलेस्ट रोटेशनल कॉन्स्टेंट की बात करा, रोटेशनल कॉन्स्टेंट क्या होता है हमारा, बी। बी का फॉर्मूला क्या होता है, h/8π² ic। तो बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, μr². बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आई, और आई का फॉर्मूला क्या होता है, μr², तो बी क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू μb। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखूं बी और म्यू के बीच में, तो वो क्या होगा, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। अब हमसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूल विद स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट, तो मतलब जिसका म्यू होगा लार्जेस्ट उसकी आएगी सबसे छोटी बी की वैल्यू। देखो स्मॉलेस्ट म्यू तो हमारी आएगी ग्रेटर बी की वैल्यू, अगर हमारा म्यू जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है तो बी की वैल्यू आएगी सबसे छोटी। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट, तो इन मॉलिक्यूल्स में से वो मॉलिक्यूल जिसका रिड्यूस्ड मास सबसे ज्यादा होगा, उसका जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो होगा सबसे कम। तो देखो आप देख के ही बता सकते हो कि किसका रिड्यूस्ड मास सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन सी का। ऑब्वियसली देखो इसमें क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी का जो रिड्यूस्ड मास है वो सबसे ज्यादा होगा। बाकी सब ऑप्शंस में देखो क्लोरीन प्रेजेंट है तो साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या है, फ्लोरीन प्रेजेंट है। अब क्लोरीन प्रेजेंट है तो बोरोन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, फ्लोरीन और एक कार्बन प्रेजेंट है। तो सी का ही रिड्यूस मास सबसे ज्यादा होगा। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप रिड्यूस मास इनका निकाल के देख लेना, सी ऑप्शन ही आएगी। तो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन सी, द मॉलिक्यूल विद स्मॉलेस्ट रोटेशनल कॉन्स्टेंट इज ऑप्शन सी, CCl CF। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम नेट दिसंबर 2015, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांस 1-2 डाइक्लोरोइथाइलीन एंड सिस 1-2 डाइक्लोरोइथाइलीन विदाउट एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इज। आप देखो मैंने अभी बताया था जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो उनके उनके साथ डील करती है जिनका डाइपोल मोमेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो रोटेशनल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, आप देखो अगर मैं ट्रांस 1-2 डाइक्लोरोइथाइलीन की बात करूं तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो जीरो, मतलब ये रोटेशनल इनएक्टिव होगा। और अगर मैं सिस 1-2 डाइक्लोरोइथाइलीन की बात करूं तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो जो मेरी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है या फिर जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डिस्टिंग्विश कर सकती है बिटवीन ट्रांस 1-2 डाइक्लोरोइथाइलीन एंड सिस 1-2 डाइक्लोरोइथाइलीन, क्योंकि एक जो मेरा सिस है वो तो होगा मेरा रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल, लेकिन जो मेरा ट्रांस 1-2 डाइक्लोरोइथाइलीन है वो मेरा होगा रोटेशनल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, दैट इज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये आया है नेट दिसंबर 2015 में, इफ द रिड्यूस मास ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स फोर्स कॉन्स्टेंट द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी। अब देखो हमें क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है डबल, अगर मैं म्यू को कर दूं डबल और फोर्स कांस्टेंट मेरा रहे सेम तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। अब देखो मेरे को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, वी इज इक्वल टू 1/2π√k/μ। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दे रखा है मैं वो वैल्यूज पुट करती हूँ, वी डैश निकालती हूँ मैं। ठीक है,
वन बाई टू पाई तो एज इट इज रहेगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, फोर्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी सेम है, जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, रिड्यूस्ड मास में, मतलब म्यू को वो कर रहा है डबल टाइम्स, डबल कर रहा है इसको टू टाइम्स, तो मैं लिख दिया यहाँ पे टू इंटू म्यू। अब देखो अगर मैं वन बाय रूट टू को बाहर निकाल लूँ तो मेरा जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा वन बाय टू पाई अंडर रूट के बाय म्यू, जो कि मेरा फ्रिक्वेंसी का ही फॉर्मूला है, तो वन बाय रूट टू इंटू वी हो गई। तो मेरा क्या चेंज आया है, वन बाय रूट टू टाइम्स हो गई मेरी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, जो नई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, देखो ये थी ओरिजिनल जो मेरे को पता है, सब कुछ वैल्यूज पुट करके मेरी आई वन बाय रूट टू इंटू वी, तो मेरा जो आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन बी वन बाय रूट टू टाइम्स द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूला पता ही था हमें और जो जो उन्होंने बोला वो कर दिया और फिर देखा कि क्या चेंज आया है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है नेट दिसंबर 2016 में, द रोटेशनल कॉन्स्टेंट एंड द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ एच बी आर आर रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 200 सेंटीमीटर इनवर्स, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर डी बी आर अप्रॉक्सीमेटली आर। हमें बी की वैल्यू दे रखी है रोटेशनल कॉन्स्टेंट की 10 सेंटीमीटर इनवर्स, हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है 2000 सेंटीमीटर इनवर्स एच बी आर के लिए, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है डी बी आर की। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था जिसमें हमें कोबाल्ट एच की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी और कोबाल्ट और ड्यूटेरियम की हमें निकालनी थी। ठीक है, तो देखो हमसे रोटेशनल की यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा है, हमसे रोटेशनल कॉन्स्टेंट भी पूछ रहा है और फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी पूछ रहा है डी बी आर के लिए। तो पहले मैं निकालती हूँ इसकी रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। अब बी का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय एट पाई स्क्वायर आई इंटू सी, सेंटीमीटर इनवर्स में होता है ये, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं रिलेशन निकालूँ बी और आई के बीच में तो इनवर्स रिलेशन है, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आई, और आई क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन आई का, तो म्यू के साथ, तो मैंने लिख दिया म्यू के यहाँ पे लिख दिया आई जो है इसके सामने लिख दिया म्यू आर स्क्वायर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई, तो इसके तो बी का क्या रिलेशन है म्यू के साथ, इनवर्स रिलेशन आ गया, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय म्यू। अब देखो हमसे पूछा क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट पूछा है डी बी आर के लिए। अब देखो बी रोटेशनल कांस्टेंट लिखा एच बी आर के लिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूस मास ऑफ एच बी आर, सिमिलरली रोटेशनल कांस्टेंट लिखा डी बी आर के लिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूस मास ऑफ डी बी आर। ठीक है, अब देखो जो पिछली वीडियो थी ना वहां पे क्या हुआ था, लास्ट में जो रिड्यूस मास बचे थे ना वो सिर्फ ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के ही बचे थे, बाकी सारे कैंसिल हो गए थे। वैसे तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, एम वन इंटू एम टू बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, हमने सारा सॉल्व किया था जब लास्ट में मेरे पास सिर्फ मास ऑफ ड्यूटेरियम बाय मास ऑफ हाइड्रोजन बचा था। आप ये वीडियो देखने से पहले उस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखना तो क्या था रिड्यूस मास ऑफ डी बी आर, लेकिन मैंने उस पिछली वीडियो में समझाया था कि जो लास्ट में प्रोडक्ट बचता है ना वो सिर्फ मास ऑफ ड्यूटेरियम और मास ऑफ हाइड्रोजन ही बचता है, बी आर को इग्नोर कर दो, बी आर दोनों में सेम है, ये मान के चलो बी आर दोनों में सेम है, इसको इग्नोर कर दो, सिर्फ यहाँ पे मास ऑफ ड्यूटेरियम और मास ऑफ हाइड्रोजन लिख दो रिड्यूस मास की जगह। ठीक है, तो मैंने वही किया है, रोटेशनल कॉन्स्टेंट एच बी आर का दे रखा था 10, ये हमें निकालना है रोटेशनल कॉन्स्टेंट ऑफ डी बी आर। अब यहाँ पे क्या है, मास ऑफ ड्यूटेरियम लिख दिया 2 और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 1, तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व करके आई 5 सेंटीमीटर इनवर्स, तो मेरा आंसर हो सकता है सी या फिर डी ऑप्शन। अभी हमें निकाल लिया फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी डी बी आर के लिए। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप रिड्यूस मास लिखना दोनों का एम वन एम टू एम वन इंटू एम टू बाई एम वन प्लस एम टू करके सॉल्व कर सकते हो, बट एंड में जो रिजल्ट बचता है ना वो सिर्फ मास ऑफ ड्यूटेरियम और मास ऑफ हाइड्रोजन बचेगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ये। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, और अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मेरी पिछली वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने कोबोल्ट और हाइड्रोजन वाला एक क्वेश्चन था वहाँ पे सॉल्व करके बता रखा है। ठीक है, सिमिलरली देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन बाई टू पाई अंडर रूट के बाय म्यू, तो इसका भी इन्वर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और रिड्यूस मास का भी यहाँ पे भी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एच बी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट रिड्यूस मास ऑफ एच बी आर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ डी बी आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट
फ्रीक्वेंसी रिड्यूस मास ऑफ बीबीआर, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमें निकालना है। और अभी मैंने बात बताई है कि अगर रिड्यूस मास दे रखा है डीबीआर, ये दोनों सेम है और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में इतना चेंज नहीं है, सिर्फ एक मास का फर्क है, मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है तो ड्यूटेरियम का 2 होता है। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, ब्रोमीन को नेगलेक्ट करके सिर्फ मास ऑफ ड्यूटेरियम और मास ऑफ हाइड्रोजन लिख दिया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए मैंने ये किया है, आप पिछली वीडियो को देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें दे रखा था 2000, फ्रीक्वेंसी ऑफ HBr 2000, ये हमें निकालनी है। मास ऑफ ड्यूटेरियम 2 होता है और मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1। जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1418.4, ठीक है। और हमारी ऑप्शन ऑप्शन में दे रखा है 1410, तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, मतलब रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर इनवर्स और फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डीबीआर आई है 1410 सेंटीमीटर इनवर्स, तो आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है नेट दिसंबर 2016 से, अमंग द फॉलोइंग बोथ माइक्रोवेव एंड रोटेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल इज, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि माइक्रोवेव और रोटेशनल रमन एक्टिव कौन सा मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जो माइक्रोवेव में भी एक्टिव हो, मतलब रोटेशनल एक्टिव भी हो और रोटेशनल रमन एक्टिव भी हो। तो देखो रोटेशनल रमन एक्टिव कौन होते हैं, स्फेरिकल रोटर्स को छोड़ के ऑल मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव, लाइक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, लीनियर मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। और स्फेरिकल रोटर्स से हमारा क्या मतलब है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप हो जिनका, ठीक है, वो हमारे होते हैं स्फेरिकल रोटर्स। और रोटेशनल एक्टिव होने के लिए, अगर मॉलिक्यूल रोटेशनल एक्टिव है तो मतलब जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। आप देखो CH4 लगा लो पहले, अब ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो होगा जीरो। अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो ये हो गया रोटेशनल इनएक्टिव। और मैंने क्या बताया था, जो हमारे स्फेरिकल रोटर्स होते हैं जैसे जिनका पॉइंट ग्रुप और टेट्राहेड्रल, वो मेरे रोटेशनल रमन भी इनएक्टिव होते हैं, तो ये रोटेशनल इनएक्टिव भी है और रोटेशनल रमन इनएक्टिव भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं है, इस ऑप्शन को फिलहाल आप छोड़ दो, बाकी दो ऑप्शन डिस्कस करेंगे। पहले आप जो C2H4 है, मतलब मेरी एल्कीन है, इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो आएगा तो ये भी रोटेशनल इनएक्टिव है। अब CO2 में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये लीनियर मॉलिक्यूल भी है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो है जीरो, तो ये रोटेशनल इनएक्टिव है। और मेरे को मॉलिक्यूल वो चाहिए जो रोटेशनल भी एक्टिव हो, रोटेशनल रमन एक्टिव भी हो। अब N2O की बात करती हूँ मैं, N2O के केस में देखो म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मतलब ये है रोटेशनल एक्टिव। और मैंने क्या बताया था, स्फेरिकल रोटर्स को छोड़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना आपके, वो रोटेशनल रमन एक्टिव होंगे। ये स्फेरिकल रोटर नहीं है तो ये रोटेशनल रमन एक्टिव हुआ, ठीक है। रोटेशनल रमन एक्टिव के लिए ये बात याद रखना कि जो स्फेरिकल रोटर्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब मेरे रोटेशनल रमन एक्टिव होते हैं, सिर्फ स्फेरिकल रोटर्स जो होते हैं वो रोटेशनल रमन एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, N2O, कि इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो रोटेशनल एक्टिव तो ये है ही। और मेरे को रोटेशनल रमन एक्टिव के बारे में एक बात ये पता थी कि स्फेरिकल रोटर्स को छोड़ के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स मेरे होंगे रोटेशनल रमन एक्टिव, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। तो मेरा जो N2O है वो माइक्रोवेव और रोटेशनल रमन एक्टिव दोनों है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम नेट दिसंबर 2016, वेरिएशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर यूजली मॉडल्ड बाय अ हार्मोनिक पोटेंशियल, इफ द पोटेंशियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर द करेक्ट स्टेटमेंट इज, हमें क्या दे रखा है, हमसे देखो फोर्स और फोर्स कॉन्स्टेंट पूछ रहा है और हमें क्या दे रखा है कि जो पोटेंशियल है दैट इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे को फोर्स और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता है, वो होता है माइनस के कर्ल वी बाय कर्ल एक्स, ठीक है। तो मेरे को डिफरेंशिएशन लेना, अब v की वैल्यू मेरे को पता है एक्स स्क्वायर, तो मैंने v की जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वायर। अब सिंपल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये वाली पावर आगे आ जाएगी और ऊपर आ जाएगा n माइनस वन, टू था तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, x की पावर 1 बच जाएगी, तो मेरा आंसर क्या हो गया माइनस के 2x। तो जो मेरा फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस के 2x। अब फोर्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है, अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल,
जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में। ये दोनों को मैं अगर इक्वेट करूंगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मेरा जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 2x, और जो मेरा फोर्स कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, फोर्स की वैल्यू माइनस के 2x और फोर्स कॉन्स्टेंट क्या आया 2। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है वो है नेट जून 2015 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटेंस बैंड जनरली ऑब्जर्व फॉर अ कार्बोनिल ग्रुप इन द IR स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू। द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ CO बॉन्ड इज लार्ज। ऑप्शन बी है फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ CO बॉन्ड इज स्मॉल। सी है देर इज नो चेंज इन डायपोल मोमेंट फॉर CO बॉन्ड स्ट्रेचिंग। और ऑप्शन डी है दैट डायपोल मोमेंट चेंज ड्यू टू CO बॉन्ड स्ट्रेचिंग इज लार्ज। आप देखो जो हमारी इंटेंसिटी है, पहले तो वही पता होना चाहिए था कि किसके प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी ऑफ IR एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन चेंज इन डायपोल मोमेंट। जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट में चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा मेरी इंटेंसिटी आएगी IR एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, और जो देखो मैंने लिख रखा है ग्रेटर चेंज इन डायपोल मोमेंट मीन्स ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। और जो हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट है, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है ना तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लार्जर वेव नंबर पे आते हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी पे किसका फर्क पड़ता है, ग्रेटर चेंज इन डाइपोल मोमेंट। और जो फोर्स कॉन्स्टेंट है उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरा एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लार्जर वेव नंबर पे आएगा बस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स बहुत अच्छे से लर्न रखना कि ग्रेटर चेंज इन डाइपोल मोमेंट मीन्स ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर फोर्स कॉन्स्टेंट लार्ज है उसका मतलब है कि जो मेरा एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लार्जर वेव नंबर पे आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, इंटेंस बैंड जनरली ऑब्जर्व फॉर कार्बोनिल ग्रुप इन IR स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट चेंज ड्यू टू CO बॉन्ड स्ट्रेचिंग इज लार्ज। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी।